नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडिंग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्या किया है दोस्तों, प्लीज़ आगे बढ़ के सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दोस्तों, जैसा कि मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको और ऑप्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि कैनेडा में एक्सप्रेस एंट्री तो कुछ समय से पॉज्ड है, तो और क्या ऑप्शन है, किन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ अपने नॉलेज और रिसर्च पे। इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी हूँ। तो मैं जस्ट रिसर्च करके आपको आपके ऑप्शन दिखा रहा हूँ, और आप अगर इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सो दोस्तों, आपके सामने मैंने न्यूजीलैंड का ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, जो वहाँ की गवर्नमेंट की और उसकी वीज़ा सेक्शन की है। तो यहाँ पे देखिए, पूछ रहे कि आप, मैंने आपको एक विजर्ड है जो आपको ये दिखाएगा कि आपके पास क्या ऑप्शन है, आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पर मूव करना चाहते हैं परमानेंटली, ठीक है भाई। तो आपके पास पूछ रहे कि आप यहाँ पे क्या, सेकेंड ऑप्शन में देखिए, जो फर्स्ट आपने कर लिया, एक्सप्लोर वीज़ा ऑप्शंस, आपको यहाँ पे वीज़ा ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे परमानेंटली लिव करने के लिए। तो यहाँ पर आए हम, आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ठीक है, पूछ रहा भाई आपके पास जॉब ऑफर है, मान लीजिए नहीं है, और आप किस कंट्री से आ रहे हैं, मैं इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है। आपकी एज पूछ रही है, मान लीजिए मैं 25 डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस डिस्प्ले कीजिए। अगर आप कम टू कनाडा विजिट, आपको याद होगा उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अलग। हाँ, अब आपके सामने ऑप्शन रख दिए गए। तो इस स्क्रीन का ये मतलब नहीं कि ये सारे ऑप्शंस आपके लिए, आपको इसको डिटेल में जाना होगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इंटाइटल्ड हैं नहीं हैं, परमानेंट रहना है क्या रहना है। तो देखिए, तो मैंने इसमें एक उठाया स्किल्ड वर्कर, ठीक है, रेसिडेंट वीज़ा, आगे देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। तो इस वीज़ा से आप परमानेंटली रह सकते हैं और आपका स्किल्स जो न्यूजीलैंड को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। क्राइटेरिया आपको मीट करना है, आपको EOI फाइल करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और अगर वो पिक हो जाए तो आपको आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन के लिए वो लोग इनवाइट करते हैं। उसके बाद इसमें एज लिमिट है दोस्तों कि आपको 55 एंड बिलो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपको आप कितना दिन रह सकते हैं, इनडेफिनेटली रहो ना भाई, आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन 25 एंड बिलो को आप इंक्लूड कर सकते हैं, और आपने सब कुछ ठीक रहा, परमानेंट रेसिडेंस भी आपको मिल सकती है, और आप ये कभी भी फाइल कर सकते हैं। UI तो ऑनलाइन प्रोसेस है ना भाई, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा है कि उन्हें 160 से नीचे उन लोग इन्वाइट कर ही नहीं रहे हैं। सो अभी डिटेल्स देखते हैं, चलिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके थ्रू आप जाएँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या है क्या नहीं है इससे, ठीक है। तो देखिए इसमें सब कुछ है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आपको कैसे क्या करना है वो भी, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने मिनिमम आपको 100 चाहिए क्वालिफाइंग EOI के लिए, मतलब पूल में क्वालिफाइंग सेक्शन में रहने के लिए। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं होता है, उसके ऊपर उनका जो कट ऑफ होता है, तो अभी उन लोग 160 के अबव ही इन्वाइट करें, बट ये हमेशा सेम तो नहीं रहेगा, ऊपर नीचे भी जाएगा, और हाँ, आप में से सबका 100 भी तो नहीं आएगा ना, बहुत का उससे ज़्यादा भी आएगा। चलिए अब पॉइंट्स टेबल पर जाते हैं, पॉइंट्स टेबल में ही तो भी समझ में आता है कि हम मुझे मिलेगा क्या। एज ये मैंडेटरी है कि 55 से नीचे होनी चाहिए, तो लेट से आप इस पैड में 30 पॉइंट्स मिल गए, क्या बात है। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, आप वहाँ न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं, नहीं, आपको जॉब ऑफर है, नहीं, ठीक है छोड़ देते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है, हाँ, तो आपको जैसे वहाँ पर करवानी पड़ती है क्वालिफिकेशन, जैसे आप कनाडा में ECA करवाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर असेसमेंट करवाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको इस लेवल पर मिला है, बढ़िया, तो ये देखिए, एक में प्री असेसमेंट रिजल्ट भी होता है और एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट होता है। तो प्री असेसमेंट आपको एक आइडिया देता है कि आपको इफ यू कैन क्लेम पॉइंट फॉर रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, बट यू कैन नॉट यूज एज एविडेंस। तो आपको बाद उसके बाद आपको इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, हाँ भाई मेरे पास है, कितना है, चलिए 6 डाल देता हूँ, 30 पॉइंट्स टोटल पॉइंट देख लिए, 110 हो गए। पार्टनर, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो तो आप यहीं पर रुक गए, तो इन दैट केस आप क्वालिफाइड UI तो है आपको, बट आपको कॉल नहीं आएगी क्योंकि अभी इस समय 160 चल, लेकिन हाँ कल को अगर नीचे गिर गई और 110 आ गई आप पिक कर लिए जाओगे। और ये जस्ट एक केस दिया था दोस्तों,
ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका इनसे भी ज़्यादा स्कोर आया होगा। तो अगर आप एब्सोल्यूट एरिया शॉर्टेज में काम कर रहे हैं तो उसमें देखिए 10 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया। अगर आपने न्यूजीलैंड में पहले काम किया है तो 10 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए। तो बहुत कुछ है इसमें दोस्तों। अगर आपकी शादी हुई और पार्टनर है तो उसका भी अच्छा है। पार्टनर की क्वालिफिकेशन आपने रिकॉग्नाइज कर ली है तो देखिए उसके भी आ गए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।